नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए ठंडाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बाजार से बहुत ही अच्छी और टेस्टी। यकीन मानिए दोस्तों, ये हल्दीराम की हो या गुरुजी की हो, उससे भी बहुत ही अच्छी ठंडाई आप बहुत आसान तरीके से घर पे बना सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल में पानी लिया है और 100 ग्राम मैंने बादाम लिए हैं। बादाम को हम अलग भिगोएंगे। यहाँ मैंने बादाम को डाल दिया है और इनको मैं 3-4 घंटे के लिए रख देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे दूसरे बाउल में 80 ग्राम काजू लिए हैं, 4 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने तरबूज के बीज लिए हैं और ग्राम में ये 50 ग्राम है। 2 चम्मच यहाँ पे मैं सौंफ लिए हैं मैंने, और 50 ग्राम मैंने यहाँ पे खसखस के दाने लिए हैं। 40 ग्राम मैंने यहाँ पे पिस्ता लिए है। यहाँ मैंने 1 चम्मच काली मिर्च लिए हैं, ये मैंने साबुत लिए हैं, आप चाहें तो इसका पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ में ही यहाँ पे मैंने 2 चम्मच छोटी इलायची लिए हैं, ये साबुत है, आप चाहें तो इसका इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और साथ में ही मैंने यहाँ पे 1/2 कप गुलाब की पत्तियाँ ली हैं, इनको मैंने सुखा लिया था, इनसे भी मैं डाल देती हूँ। और साथ में ही यहाँ पे मैंने 1 गिलास भर के पानी डाला है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 7 से 8 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देती हूँ। यहाँ 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, हमारा मिक्सचर अच्छे से फूल गया है। और यहाँ जो मैंने बादाम लिए थे, इनके मैंने सारे छिलके साफ कर लिए हैं। और यहाँ मिक्सचर में मैं 2 चम्मच यहाँ पे मैं ग्लूकंद डाल देती हूँ। ग्लूकंद आपको पान की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। अब मैंने एक मिक्सर जार लिया है, ये सारे मिक्सचर को मैं इसमें डाल देती हूँ और एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेती हूँ। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप पानी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 1/2 गिलास पानी डाला था और आप देख सकते हैं कितना स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। अब मैंने यहाँ पे एक छन्नी ली है, इसको हमें पेस्ट को अच्छी तरह से हमें छानना है, क्योंकि हमें इसमें से थोड़ा सा मोटा मोटा रहेगा तो हमारा शरबत इतना अच्छा बन कर तैयार नहीं होगा। तो यहाँ मैं सारी ठंडाई को छान लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी सारी ठंडाई को छान लिया है। ये जो थोड़ा सा हमारा गूदा बचा है, इसको हम थोड़ा सा दोबारा पानी डाल कर पीस लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसको दोबारा पीस लिया है और इसे हम डाल देते हैं। तो अच्छी तरह से जग में भी थोड़ा पानी डालकर हम इसमें डाल देते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। गैस पे मैंने एक भगोना रखा है, यहाँ पे मैंने 600 ग्राम चीनी ली है। आप चीनी की जगह मिश्री का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ मैंने 2 बड़े कप पानी लिए हैं, ये भी मैं डाल देती हूँ। और हमें एक गाढ़ी चाशनी को बना लेना है, तो ये 5 मिनट में हमारी चाशनी बनकर रेडी हो जाएगी। यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं चाशनी हमारी इस तरह से गाढ़ी होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं, हमने कोई तार नहीं बनाया है, बस एक गाढ़ी चाशनी बनाई है। और यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच केसर का लिया है, अब इसे मैं डाल देती हूँ। साथ में ही हमने यहाँ जो पेस्ट बना के रखा था, इसे भी मैं डाल देती हूँ। और इसे हमें अच्छी तरह से चलाना है। और यहाँ मैंने 1 गिलास पानी भी डाल दिया है। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जितना ठंडाई गाढ़ी या पतली बनानी है, पर मैंने यहाँ पर पूरा 1 लीटर पानी का यूज किया है। अब हमें इस ठंडाई को 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम से लो गैस पे पकाना है और इसको हमें बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से हमारी ठंडाई लग सकती है और जल भी सकती है। आपको इन बातों का जरूर ध्यान में रखना है। यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ठंडाई हमारी इस तरह से तैयार हुई है। बहुत ही बढ़िया हमारी ठंडाई बनकर रेडी हुई है। अब यहाँ मैं गैस को बंद कर देती हूँ। जब ठंडाई हमारी ठंडी हो जाती है, तो ठंडी होने के बाद ये अपने आप से गाढ़ी भी हो जाती है रखे रखे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है।
और बहुत ही बढ़िया हमारी ठंडाई बनकर तैयार हुई है। यहाँ हमारी ठंडाई ठंडी हो चुकी है, इसे मैं एक कांच के जार में डाल के रख देती हूँ। आप देख रहे होंगे कितनी बढ़िया हमारी ठंडाई बनकर तैयार हुई है। आप इसे एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, होली आने वाली है, होली हो या गर्मियाँ, ठंडाई हर मौसम में अच्छी लगती है। अब मैं आपको एक मिनट में ठंडाई बनाने का तरीका बताती हूँ। जब आपका मन करे आप ठंडाई बना कर पी सकते हैं। यहाँ मैंने दो कुल्हड़ लिए हैं, यहाँ आप अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं, 2 चम्मच या 3 चम्मच डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने ठंडा दूध लिया है, इसे भी डाल देती हूँ। साथ में मैंने थोड़े से केसर के दाने लिए हैं, ये भी डाल देते हैं। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सूखी गुलाब की पत्तियाँ ली हैं, यह आप ताज़ी पत्तियाँ भी डाल सकते हैं। इसे देखने में बहुत ही बढ़िया लगती है। ये ठंडाई हमारी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है, यकीन मानिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।